हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर जॉम्बी मूवी आर्मी ऑफ डेड के अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ देने वाला हूँ मैं इसका रिव्यू के पर्सनली ये मूवी मुझे कैसी लगी, और बात करूंगा इसके फ्यूचर के अपडेट के बारे में, और बात करूंगा इसके बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में, हुमा कुरैशी के बारे में, कि उनका इस मूवी में क्या सीन रहा। तो सिंपली बस ये कहना चाहूंगा कि ये क्विक रिव्यू वीडियो होने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। होप आपने ये मूवी देख ली होगी क्योंकि इसमें स्पॉयलर होने वाले हैं। अगर नहीं देखी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके चेकआउट करें। टेलीग्राम पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं नंबर वन इसकी स्टोरी के बारे में। स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक इस मूवी में वो चीज़ नहीं आई जो कि आपको मूवी को बांधे रखता है एक तरीके से। जैसे कि हम मार्वल्स की मूवी देखते हैं तो वो हमें कनेक्ट करती रहती है और इंटरेस्ट बना रहता है कि बीच में से हटने का मन ही नहीं करता, पर इस मूवी ने ऐसा कुछ नहीं करा। मूवी की स्टोरी सही थी पर हमें बांधे रखा नहीं पाई, बिल्कुल बांध के अच्छी तरीके से नहीं रख पाई ये मूवी। और बात करी जाए अब इसके VFX की, तो VFX ऑलमोस्ट सही थे इसके, बस वो टाइगर वाला सीन मुझे थोड़ा नकली सा लगा जो कि इस मूवी को थोड़ा अटपटा सा दिखा रहा था, बाकी ओवरऑल सही था। और बात करी जाए अगर इसके क्लाइमैक्स की सीन के बारे में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा होप थी कि जैक स्नाइडर की मूवी तो हमें क्लाइमैक्स में बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा, और देन सीक्वल आएगा इसका, और देन काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी एक्शन धमाका। इस मूवी में जो पूरी टीम दिखाई गई है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई, और सिर्फ एक कैरेक्टर के चक्कर में जो कि डेव बटिस्टा की डॉटर थी कैट, उस बेवकूफ लड़की के चक्कर में पूरी टीम खत्म हो गई और डेव बटिस्टा को खुद को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत रहा इस मूवी में सीन। और देन कैट जिसको बचाने के लिए भागी थी, जिसका नाम था गीता, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, उसका कैरेक्टर प्ले करा है हुमा कुरैशी ने, उनका भी कैरेक्टर मुझे यूँ समझ लीजिए कि बस इंडिया के नाते जोड़ा गया था जिसका कोई मतलब नहीं था। तो पता नहीं जैक स्नाइडर ने ऐसा क्या सोचा कि हुमा कुरैशी को इस मूवी में लेना चाहिए और ऐसा कैरेक्टर डालना चाहिए। ओवरऑल मूवी ठीक ठाक थी, IMDb पे भी रेटिंग इसे काफ़ी कम मिली है, वो भी 7.3 के लगभग से रेटिंग मिली है। बात करी जाए अगर इसके फ्यूचर पार्ट्स की, तो इसका एक प्रीक्वल आने वाला है, यानी कि आर्मी ऑफ डेड से पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी उसमें, जिसका नाम ऑफिशियली रखा गया है आर्मी ऑफ थीव्स, यानी कि चोरों की सेना। इस प्रीक्वल में हमें दिखाया जाएगा कि ये चोरी कैसे करते हैं। और तो और इसके अगर फ्यूचर की एक और पार्ट की बात करी जाए, तो इसकी एक एनिमी TV सीरीज भी आने वाली जो कि ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होगी, और मूवी की बात करी जाए तो वो 2021 में रिलीज होगी, अब तक के अपडेट्स यही आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसकी प्रीक्वल मूवी और एनिमी सीरीज कैसी होगी। और इस मूवी को तो बस ठीक ठाक ही कहूँगा मैं, ज़्यादा मतलब सही नहीं थी, इससे बढ़िया तो मुझे डाउन ऑफ द डेड पहला वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। देखते हैं, होप आपको ये मूवी पर्सनली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।